Good morning, students. Today we are going to learn class 10th science chapter 1 chemical reaction and equation part 2. Okay, today we will learn how to balance the equation. Okay, in the last part we have seen some part of it, but today we will go in detail. Okay, see, आपको यहाँ पे एक equation दिया गया है, आपको उसको balance करना है, right? So यहाँ पे दिया है iron Fe H2O मतलब वाटर, Fe3O4 दैट इज फेरिक ऑक्साइड एंड H2. ओके ओके, अभी ये जो है यहाँ पे, ये दोनों को हम बोलते हैं रिएक्टर्स, राइट? एंड ये दोनों है प्रोडक्ट. ओके, तो रिएक्टेंस में कितने एटम्स है, प्रोडक्ट में कितने हैं, वो हम देख लेते हैं. उसके लिए हमने एक टेबल बनाया है, एलिमेंट्स रिएक्टेंस में कितने हैं एंड प्रोडक्ट में कितने हैं. ओके, सी, एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज Fe, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, और कोई दिख रहा है आपको? नहीं, राइट? तो यहाँ पे हमें टोटल तीन दिख रहे हैं रिएक्टेंट्स में भी एंड प्रोडक्ट्स में भी. Fe दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है. यहाँ पे भी Fe, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल काउंट द नंबर ऑफ द एटम्स. Fe, यहाँ पे Fe का एक ही है, राइट? रिएक्टेंट्स में, तो रिएक्टेंट्स में हम लिख देंगे 1. प्रोडक्ट में Fe के कितने हैं? Fe के 3, राइट? यहाँ पे आगे और कुछ नहीं है, तो 3. तो हम प्रोडक्ट में लिखेंगे 3. नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यहाँ पे ओनली 1 एटम है और यहाँ पे कितना है? 4. ओके, तो यहाँ पे 1 रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट में कितना है? 4. ओके, देन हाइड्रोजन. इन द रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एटम्स आर 2, राइट? एंड हियर ऑल्सो 2. ओके, नाउ वी विल सी दैट हाइड्रोजन आर बैलेंस ओवर हियर, राइट? एंड इन द ऑक्सीजन एंड फेरस देयर इज अ डिफरेंस. ओके, सो व्हाट वी विल डू, अगर हमें Fe का नंबर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में सेम करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 एंड वी विल गेट 3. ओके, इन द रिएक्टेंट्स. ओके, सो रिएक्टेंट्स में सी, हम नीचे तो नहीं लिख सकते, राइट? ये ऐसा रूल है. तो हम कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं 3Fe, ऐसा हमने लिख दिया, राइट? प्लस H2O एज इट इज, और फिर Fe3O4 प्लस H2. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया. आई यूज डिफरेंट कलर, 3Fe. अभी देखो यहाँ पे भी 3Fe हो गया रिएक्टेंट्स में, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 3. तो ये हमारा बैलेंस हो गया. अभी ऑक्सीजन की बारी, राइट? ऑक्सीजन में रिएक्टेंट्स में 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन है. एंड प्रोडक्ट में कितने हैं? 4. सी, प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है? 4. रिएक्टेंट्स में ओनली 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 4. तो हमें ये दोनों को सेम कैसे करेंगे? हम मल्टीप्लाई बाय 4, सो वी विल गेट 4, राइट? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, हम नीचे नहीं लिख सकते हैं, राइट? तो हम आगे की तरफ लिखेंगे 4. बट एट द सेम टाइम अगर हम ऑक्सीजन का 4 कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का भी चेंज हो रहा है, राइट? हाइड्रोजन का कितना हुआ? 4 2 8. कहाँ पे? रिएक्टेंट्स में. तो हमें रिएक्टेंट्स में ही लिखना पड़ेगा, 4 2 8 हुआ है, ठीक है? अभी फिलहाल हाइड्रोजन का 8 है, ऑक्सीजन का 4 है. ऑक्सीजन का दोनों सेम हो गया है, ये काम खत्म. बट हाइड्रोजन का यहाँ पे 8 बन गया है रिएक्टेंट्स में, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक हियर आल्सो 8, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दैट विल बिकम 8. ओके, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? ओके, सो नाउ हम देख लेते हैं काउंटिंग. 3Fe है यहाँ पे, Fe3 है. ओके, तो Fe का 3 है, राइट? नाउ हाइड्रोजन का 4 2 8, हियर आल्सो 4 2 8. ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4, राइट? सो दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन. यहाँ टेबल में भी हम देख सकते हैं Fe का 3 3,
ऑक्सीजन का 4, 4 हाइड्रोजन का 8, 8, राइट? ओके, सो दिस इज नोन एज द बैलेंस इक्वेशन, तो इसे हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू, हम बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन, ओके? नाउ यू कैन राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक एंड यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ओके? लेट्स गो विद अनदर एग्जांपल. We have this type of question in the exam. If we have this type of exam, ऐसा अगर question हमें exam में पूछा जाए और बोला कि balance करो ये equation, okay? So जैसे कि पहले हमने table में लिखा था, वैसे ही इसमें भी हम table में लिखेंगे कितने कितने elements हैं, how many atoms are in the reactants, how many atoms are in the product. सबसे पहले reactants क्या है वो लिख देते हैं, okay? These all are the reactants, right? And these all are the products. Okay? Now let's see. See, in the reactants, we can see carbon over here, right? And in the products, we can see carbon over here, right? So, element mein sabse pehle hum likh dete hain carbon. Okay? Dusra kaun sa element aapko dikh raha hai? Reactants mein hume dikh raha hai ek to hydrogen. प्रोडक्ट में भी हमें दिख रहा है हाइड्रोजन, राइट? तो वी विल राइट हाइड्रोजन ओवर हियर. देन थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे आपको और रिएक्ट प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हम दिखेंगे ऑक्सीजन. ओके, नाउ वी विल बैलेंस इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. रिएक्टेंट्स में कार्बन 3 है, ओके, एंड प्रोडक्ट में कार्बन 1 है, तो वी विल राइट ओवर हियर 3 इन द रिएक्टेंट्स, 1 इन द प्रोडक्ट. ओके, नाउ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 8. तो हम हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट्स में 8. हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कितने हैं? 2. तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हम लिखेंगे 2. ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2. प्रोडक्ट में कितने हैं? ओनली नहीं, हाइड्रो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, कितने हुए? 1 + 2 = 3. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. कार्बन को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन रिएक्टेंट्स में 3 है, प्रोडक्ट में 1 है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 एंड विल गेट 3. ओके, सो दिस विल बी द सेम. हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया? प्रोडक्ट में. तो प्रोडक्ट में हम कार्बन को लिखेंगे 3. ओके, सो मैं यहाँ इक्वेशन कॉपी करके अलग कलर से दिखा रही हूँ आपको कि हमने क्या क्या चेंज किया. हमने प्रोडक्ट में कार्बन के आगे 3 लगाया है, ठीक है? 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3. ओके, तो 1 एट द सेम टाइम कार्बन को जब हमने 3 बनाया, यहाँ पे भी 3 है, क्या चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन ऑल्सो चेंजिंग, राइट? ऑक्सीजन के कितने हो गए अभी? 6 हो गए, है ना? ऑक्सीजन के कितने हो गए अभी? 6 हो गए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6. अभी फिलहाल ऑक्सीजन का कितने हो गए? 6 हो गए, बट कहाँ पे हुआ है? प्रोडक्ट में, सॉरी. तो 3 × 2 = 6. ओके, प्रोडक्ट में 6 हो गए. नाउ वी विल मूव टू द, अभी कार्बन बैलेंस हो चुका है, ठीक है? अभी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन का यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है. ओके, तो क्या लिखेंगे हम?
एट हो चुका, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों भी सेम हो गए। अभी कौन सा वेरिएबल है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वेरी हो रहा है, तो रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट में 6 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स में 2 है एंड प्रोडक्ट में कितने हैं? 6। 3 × 2 = 6 एंड प्लस 4 तो 10 हो चुके, ठीक है। अभी जैसे हमने हाइड्रोजन का चेंज हुआ तब ऑक्सीजन भी 4 मतलब 10, अभी वो 10 हो चुका। तो ये जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट्स में उसको 10 करने के लिए क्या करेंगे? ऑलरेडी 2 है तो 5 × 2 = 10, ओके। तो क्या बन गया है? C3H8 + 5 × 2 = 10 ऑक्सीजन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 वाटर मॉलिक्यूल, ओके। ये हमारा हुआ वैलेंस इक्वेशन। चलो फिर से काउंट कर लेते हैं हम। कार्बन 3 है, ओके, और हमने यहाँ ऑक्सीजन में कितना किया? 5 × 2 = 10। कार्बन 3 है रिएक्टेंट्स में, यहाँ पे भी 3 है। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी 4 × 2 = 8। ऑक्सीजन 5 × 2 = 10, ऑक्सीजन हियर 4 एंड 3 × 2 = 6, 6 + 4 = 10, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू यू। You can write down this in your notebook also. Okay, let's understand with the help of other example. I'll keep this table over here because हमें दूसरे example के लिए भी इसी table की जरूरत पड़ेगी। So third question is, second question is, Now let's see
सी यहाँ पे टेबल में हमारा सेम हो चुका है, आयन का रिएक्टेंस में 3 एटम्स, प्रोडक्ट में 3 एटम्स, ऑक्सीजन का रिएक्टेंस में 4, प्रोडक्ट में 4। अभी इक्वेशन में हम देख लेते हैं 3Fe और रिएक्ट प्रोडक्ट में भी 3Fe, मतलब नंबर 3 नंबर 3। ओके ऑक्सीजन का 4, यहाँ पे भी 4। ओके सो दिस इज आवर बैलेंस इक्वेशन। तो ये क्या है हमारा बैलेंस इक्वेशन। ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यू कैन राइट डाउन, यू कैन सॉल्व इट एट होम। ओके वेन एवर यू विल प्रैक्टिस इट यू विल फील लाइक अ गेम। ओके नाउ लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। This table we need in all the balancing equation. Okay, so I keep it over here. Example number 3. What is third question? Let's see. SR plus O2, it gives 2SRO. Okay? ये एक एलिमेंट है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सी ये रिएक्टेंस है, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंस, एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज द प्रोडक्ट, राइट। ओके सो व्हाट वी विल डू इन द टेबल, वी विल राइट ऑल द एलिमेंट्स, राइट। रिएक्टेंस में आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 1 एंड 2 एंड ऑक्सीजन। ओके एंड प्रोडक्ट में भी 2 एलिमेंट्स है, राइट। ओके अभी हम इसको एज इट इज लिखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके लेट्स स्टार्ट, एसआर का लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1। ओके एंड राइट हैंड साइड पे 2। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन का 2 एंड 2। ओके तो एसआर को हमें 2 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई हियर बाय 2। ओके एसआर को हमने 2 बना दिया, सो दिस 2 विल बी सेम, एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, ऑल्सो 2, राइट। सो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। देखो यहाँ पे एसआर का 2, ऑक्सीजन का 2, यहाँ पे 2 SRO, दोनों का 2 2, सो दिस इज नोन एज द बैलेंस इक्वेशन। ओके नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ इक्वेशन। नाउ ये इक्वेशन देखने से आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी, राइट। लेट्स स्टार्ट इट। रिएक्टेंस में कितने एलिमेंट्स हैं, SN, सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके 4 एलिमेंट्स आर देयर।
एन द प्रोडक्ट्स सेम सोडियम एस एन ओ एन एच. नाउ लेट्स राइट ओवर हियर एज इट इज एंड देन वी विल सॉल्व इट हियर. सोडियम एस एन ओ टू प्लस एच टू. ओके ओके. सो सी इन द रिएक्टेंस द नंबर ऑफ एस एन इज वन एंड इन द प्रोडक्ट इज वन. ओके सो हियर वी विल पुट वन वन. सोडियम एलिमेंट्स आर टू वन एंड इन प्रोडक्ट इट इज टू. हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर वन एंड इन द प्रोडक्ट इट इज टू. ऑक्सीजन वन इन द रिएक्टेंस एंड इन द प्रोडक्ट इट इज टू. ओके सो व्हाट वी विल डू सी हियर एसएन इज वन हियर ऑल्सो वन सो वी विल नॉट टच ओवर हियर. ओके यहां पे सोडियम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ही डिफर हो रहा है. सो रिएक्टेंस में किसकी जरूरत है? सोडियम में हमें टू मल्टीप्लाई करेंगे तो टू मिलेगा राइट. तो रिएक्टेंट में सोडियम कहां है? यहां पे है तो आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू से. ओके तो सोडियम का चेंज हो गया ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है राइट. एक ही मॉलिक्यूल में लिखा हुआ है तो हमें ऑक्सीजन का भी टू बन गया हाइड्रोजन का भी टू बन गया. तो सेम वे रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का भी चेंज हो चुका तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी चेंज कर देंगे कि टू बन गया ठीक है. बिकॉज हमने Na के सामने टू लिख दिया सोडियम के सामने हमने टू लिख दिया तो सेम वे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को भी टू फ्री में मिल गया राइट. तो वो टू टू बन गया. तो हमने क्या लिखा कि रिएक्टेंस में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू बन गया और ऑलरेडी सामने भी टू है तो नो नीड टू डू एनीथिंग राइट. ओनली वन नंबर हैव चेंज ऑल द इक्वेशन ओनली वन नंबर बैलेंस द इक्वेशन. ओके सो लेट सी नाउ एस एन वन ओवर हियर वन ओवर हियर एन ए टू एन ए टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन टू ओवर हियर हियर ऑल्सो टू. इन द टेबल सी वन वन आर द सेम टू टू आर द सेम हाइड्रोजन टू टू आर द सेम ऑक्सीजन टू टू आर द सेम. सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन एंड दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन. ओनली वन नंबर वी नीड टू चेंज राइट. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो मेनी एग्जाम्पल्स वी हैव डन. आप अपने घर पे अलग अलग क्वेश्चंस लेके भी ट्राई कर सकते हो. आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं ठीक है. चलो मैं अभी आपको एक होमवर्क दे रही हूँ आप खुद ट्राई करो उसको. अगर नहीं आता है तो मैं भी आपको सिखाऊंगी यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. Okay, with fifth.
this is 7. In the sixth question, hydrogen plus chlorine, it gives HCl. Okay, so what you will do, you will write your reactants and products, right? And you will write over here elements and what are the reactants and products. For this equation, there are two elements, hydrogen and chlorine. Okay, so you will write over here hydrogen ke kitne atoms hai reactants mein, product mein kitne hai. Okay, aur fir aap usko counting karke aap yahan pe jo bhi numbers aa rahe hai wo solve karenge. Okay, in the next seventh question, barium chloride BaCl2, Ba is a barium, Cl2, then sodium Na, uske kitne atoms hai, SO4 uske kitne hai, theek hai, fir BaSO4 uske kitne hai, NaCl ke kitne. To yahan pe bahut sare elements aapko ho rahe hai, to yahan pe dikhenge elements barium chlorine के कितने हैं, ठीक है? Then Na के कितने हैं? फिर यहाँ पे oxygen अलग नहीं है, see oxygen and SO4 यहाँ पे भी SO4 same ही है, तो आप SO4 लिख सकते हो, या फिर आप अलग भी लिख सकते हो S and O, ठीक है? But यहाँ पे SO दोनों side पे SO4 भी है, ठीक है? यहाँ पे भी SO4 है, तो हम वैसे लिखेंगे, okay? इसको barium sulfate बोलते हैं, okay? So BaSCl2, उसमें Ba का कितना है, ये जो है ये सारे reactants हैं and these all are the donors. Okay? तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे कि barium का कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है वो दिखेंगे, फिर chlorine का कितना है, फिर यहाँ पे कितना है, अगर multiply की जरूरत पड़ती है तो आप multiply करोगे, करेंगे sodium बैरियम सल्फेट का कितना है, तो उसमें एस कितना है, ओ कितना है, यहाँ पे भी चेक करेंगे. ओके, सो आई होप इसी तरह आप सॉल्व करेंगे. 5th, 6th, 7th आई एम गिविंग यू द होमवर्क. ओके, सो यू जस्ट चेक एंड अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन. और इक्वेशन बैलेंस के लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि लेफ्ट साइड पे जितने भी एटम्स हैं उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए, ठीक है? फिर हम ये जो भी नंबर चेंज कर रहे हो हम आगे लिख सकते हैं, मतलब उसके सफिक्स में नहीं लिख सकते, हम उसके प्रीफिक्स में ही लिख सकते हैं. ओके, वो लिमिटेशंस हम नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है? कि बैलेंस करने के लिए क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या कंडीशन